जिन्होंने हमारे को ये मैंडेट दिया है, बड़ी बात। हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों का, सभी नेताओं का जिन्होंने जा जाकर हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक चेहरा हमारे सामने था, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका हर पोस्टर पे उनका तस्वीर लगाई गई, जिससे लोगों ने यह आभास किया कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के काम और उनका नाम ही चलेगा इस इलेक्शन में, और उन्होंने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, जिसके लिए मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। ये जो लोग चाहते हैं वो बात भी हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी, क्या विधायक चाहते हैं, क्या जनता हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, उस बात को भी हाईकमांड नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसके मुताबिक ही निर्णय हाईकमांड करेगी। ये इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ओपीएस जो कि भारतीय जनता पार्टी के बाद भी ये लोग जाते रहे, उन्होंने कहा हम कर्मचारी वर्ग हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और आप हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लगा कर दें, परंतु इन्होंने हर बात को नजरअंदाज किया। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राथमिकता पर ओपीएस को लाएंगे।